द्वारा सताए गए हैं, जो बलवान पशु है उनके द्वारा, जो बलहीन पशु है तीर्यंश है उनको सताया जा रहा है। माने तीर्यंश गति के दुख कितने हैं वो ये छंद में बताया गया है। सातवां नंबर का छंद, साथ में बोलेंगे हम, सातवां नंबर का छंद। कबहु आप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख पियास, भार वहनहि आतप त्रास। क्या कहा? कबहु आप भयो बलहीन, माने बलवान प्राणी के द्वारा क्या किया गया, बलवान प्राणी के द्वारा जो असमर्थ थे ना, जो बलहीन थे, जो निर्बल थे, उनको उनको फंसाया गया, उनको क्या किया, खाया गया। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वे ताकतवर थे और ये जो पशु थे वो कैसे थे, बलहीन हीन प्राणी थे। जैसे कि होता है ना, ये कुत्ते बिल्ली चूहे ससला हिरण और बाघ और शेर जो सब है वो कैसे बलहीन बलवान, और ये बाकी के ये सब बलहीन होते हैं और उनके द्वारा खाए जाते हैं। कितने दुख बताए, देखो छेदन भेदन, छेदन का दुख, भेदन का दुख है ना, वो बांधे जाते हैं ना डोरी से, रस्सी से बांधे जाते हैं कि रात रात में कहीं भाग ना जाए, तो वो डोरी से बांधे गए, पूरी रात उनको वो गले में फांसी जैसा बांधा जाता है और उनके पैरों में भी खिल्ले ठोके जाते हैं। आपने देखा है कभी वो तीरंदाजों के पैरों में कि कहीं दौड़ के चले ना जाए, समझ में आ रहा है ना, हाँ घोड़ा ना पग माने बधावा ख्याल है ना, अने भार वहन कितना मारते हैं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वजन वजन डालते हैं। और सर्कस में भी देखते हैं आप, सर्कस में हाँ के बड़े बड़े प्राणी होते हैं ना, उनको भी चाबुक से है ना, उनके जैसा वो करे इसके लिए उनको ऐसे चाबुक से मारा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। माने कितना दुख है तीर्यंश गति का, देव और नरक का दुख तो प्रत्यक्ष नहीं पर तीर्यंश गति का दुख तो हमको प्रत्यक्ष है ना। हाँ हाँ सेंट बोलते ना, करो कितने कितने गांव के जीवों को मार के हाँ वो क्या बनाया जाता है, माने कितने कितने तीरंदाजों को मार के वो सेंट बनाया जाता है, और वो सेंट जो यूज करते हैं ना उसमें पाप कितना लगता है, कि कितने गांव के लोगों को मारने का पाप वो जो सेंट यूज करता है उनको लगता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कहा ना एक बूंद परफ्यूम में, एक बूंद परफ्यूम में कितने अनंत त्रस जीव होते हैं, कितने अनंत त्रस जीव होते हैं एक बूंद परफ्यूम में। माने इतने जीवों की हम ये सब कॉस्मेटिक्स ये सब यूज करके हम कितना हिंसा का पाप बांधते हैं ये हमको पता ही नहीं है। बोलते ना पता होने के बावजूद भी करते हैं, और कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता नहीं होता है और वो पाप अधिकारियों में लगे रहते हैं, है ना। बहुत पाप होते हैं ना ऐसे, अव्यक्तपने भी होते हैं और व्यक्त रूप से भी होते हैं। अव्यक्तपने माने, अव्यक्तपने माने हाँ माने उनको पता ही नहीं कि ये पाप है, समझ में आ रहा ना, उनको पता ही नहीं कि ये पाप है। और हाँ ख्याल है ना, और बहुत पाप तो ऐसे कि पता किसी को, ऐसा भी पाप करते ना गुप्त पाप कि किसी को पता ना लग जाए, ऐसे गुप्त तरीके से पाप करते हैं। तो यहाँ पे अपने आचार्य कहते हैं कि कोई ऐसा गुप्त पाप है ही नहीं, क्योंकि किसी के दूसरे मतिशु ज्ञान के ज्ञान का विषय ना बने, पर अनंत केवली भगवान के ज्ञान का तो विषय बनता है कि नहीं, वे तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि नहीं कि क्या ये जीव कौन सा पाप कर रहा है, और पाप के परिणाम का फल तो स्वयं को ही भुगतना पड़ेगा। ऐसे ये भार छेदन भेदन भूख प्यास गर्मी ठंडी भार वहन हिम आतप त्रास, समझ में आ रहा ना, ठंडी और गर्मी का त्रास सहन करना पड़ता है। इसलिए कहा ना शास्त्रों में तो कहा है कि करोड़ों जीवों से भी, ये देखो ये तीर्यंश गति जीव मर कर कहाँ जन्मते हैं, क्योंकि अति संक्लेश भाव अति कषाई के परिणाम होते ना, क्योंकि ऐसी 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 बाहर में ऐसी प्रतिकूलता तो अंदर में ऐसे तीव्र कषाय के परिणाम, और तीव्र कषाय के परिणाम में जीव ये तीरंदाजी के जीव मरकर नरक में जाते हैं, कहा जाते हैं।
नरक में जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? अपन देखते हैं ना वो कत्ल खाना कैसे कैसे बांध देते हैं टीरियन चोको, पहले खूब खिलाते हैं, है ना, पहले पहले उनका बना के बना देते हैं, समझ में आ रहा ना, और बाद में क्या करते हैं, उनको ही काटते हैं, मार देते हैं। तो ऐसे जब वो मारते हैं तो ऐसे उन टीरियंचों को ऐसे संक्लेश परिणाम होते हैं कि उस संक्लेश परिणाम में जीव नरक में जन्मता। मारने वाले के भी परिणाम ऐसे और जो मर रहे हैं उनके परिणाम भी संक्लेश परिणाम होते हैं। इसलिए कहते ना, जैसी गति जैसी मति वैसी गति, और जैसी गति वैसी मति। माने क्या हुआ, इसका अर्थ क्या कि जब तक आयु, जब आयु बंधेगी ना तो जैसी मति होगी ना वैसी गति बंधेगी। ख्याल आ रहा है? हमने पूरा जीवन आराधना में किया होगा, तो जब आयु बंधने वाली है ना, तो अगर अच्छे परिणाम होंगे तो गति भी वैसी बंधेगी, जैसी मति वैसी गति। और बाद में मरण के अंत समय में क्या हो जाएगा, जैसी गति वैसी मति। जो गति बांधी थी ना, तो मरण के समय में अंत समय में मति भी वैसी ही चलने लगी, कि परिणाम भी वैसे ही हो जाएंगे। माने इतना दुर्लभता से हमको ये मनुष्य बहु, ये संगनी पंचेंद्रिय पना, ये उत्तम कूल और ये गुरुदेशी जैसे गुरुदेव हमको ये समझाने वाले मिले, और अब हम हमारा काम नहीं करेंगे तो टोडल मल जी की भाषा में कहे कि तेरे अभाग्य की महिमा हो सकती नहीं है। समझ में आ रहा ना? इसलिए कहते ना कि करोड़ों जीवों से और करोड़ों भव तक भी इन जीवों के दुखों का वर्णन करना असमर्थ है। कितने जीव कहे, करोड़ों जीव बनाए तो भी जो शांति ये इन जीवों का नरक का तीरंज के दुखों का वर्णन हो सकता नहीं है। अब दूसरी अपेक्षा दूसरे पड़खे से देखे तो जो पुरुषार्थी जीव होगा तो वो तो तीरंज गति में भी काम कर लेगा। पूनम भाभी क्या कहा है ना, जैसे अपन बहुत उदाहरण देखते हैं कि नहीं शास्त्रों में कि महामत्स्य का जीव कहा है, वहां महामत्स्य का स्वयंभू रमण समुद्र में, और कितने मेंढक कितने जीव ऐसे हैं जो पंचम गुणस्थान वर्ती तीरंज। मम्मी कौन से गुणस्थान वर्ती, पंचम। पंचम माने क्या, दो कषाय चौकड़ी का पूनम अभी अभाव। उनका आनंद किन जीवों से ज्यादा है पता है, किन जीवों से, जो सर्वार्थ सिद्धि वाले देव है ना, वे 33 सागर तक आत्मा की चर्चा करते हैं तो भी उनके आनंद से उस तीरंज गति के जीव का आनंद कितना है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दो कषाय चौकड़ी का अभाव किया है, और वो सर्वार्थ सिद्धि वाले 33 सागर तक आत्मा की चर्चा करते हैं तो भी एक कषाय चौकड़ी का अभाव है तो उनको आनंद इनसे क्या है, कम है। ये तीरंज गति के जीव नाम नहीं बोल पाते सात तत्वों के, समझना सुनना, नाम नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा ना? बारम्बार विकल्पों में भी नहीं आते हैं सात तत्व, तो भी श्रद्धा की धारा उनकी बनी रहती है। परिणति कितने कषाय के अभाव वाली, दो कषाय के अभाव वाली, और उनका वहा आनंद ऐसा बना रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? माने पूरा मोक्ष मार्ग किसके अधीन है, कषाय के अभाव के आधार पे टिका है। जितनी कषाय का अभाव उतना आनंद, और जितनी कषाय का सद्भाव उतनी आकुलता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए पुण्य पाप के परिणाम, कोई भी परिणाम हो, पुण्य का परिणाम हो या पाप का परिणाम हो, ख्याल आ रहा ना, दोनों परिणाम कैसे है, छोड़ने लायक है, आसार है, और पुण्य पाप के परिणाम से भिन्न जो जानने वाला तत्व है उसका आश्रय करके धर्म परिणाम करने लायक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र करने लायक है। ख्याल आ रहा है ना? अपन बोलते ना, जैसे जिसने एक पाप किया, जैसे किसी ने एक मर्डर किया तो उसको यहाँ सजा क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, मैक्सिमम सजा अगर उसको मिले तो फांसी की, बराबर ना। अब किसी ने 10 मर्डर किए बोलो तो क्या सजा मिलेगी, तो भी फांसी मिलेगी ना, 10 बार फांसी दे दे तो एक ही बार होती है कि नहीं जोशांडी, बराबर ना। तो फिर ये तो दूसरे 10 मर्डर के वो पाप परिणाम को भुगतने का स्थान कौन सा है, तो वो नरक है। ख्याल आ रहा है? जैसे जैसे बोलते ना कि पाप भुगतने का स्थान नरक है, ऐसे पुण्य परिणाम को भी भुगतने का कोई स्थान है, वो कौन सा स्थान है, वो कौन है,
स्वर्ग है, देवगति है, ख्याल आ रहा है ना। जैसे कहा ना यहाँ पे कि जो पाप करता है उसको फांसी मिलती है, ऐसे जो पुण्य परिणाम करते हैं उसको लौकिक में नहीं देखते हैं, राजा सेठ का पद, करोड़पति के पद, ये सब मिलते हैं। अब उसमें भी लिमिटेशन है, फिर वो ज्यादा पुण्य परिणाम करे तो फिर इधर भी अभी इससे ज्यादा कोई पद है ही नहीं, तो फिर कहाँ जाएंगे जीव, जो स्वर्ग में जाएंगे। समझ में आ रहा ना, पाप परिणाम को भुगतने का स्थान नरक और पुण्य परिणाम को भुगतने का स्थान स्वर्ग, और धर्म परिणाम को भुगतने का कोई स्थान है तो वो पंचम गति, चार गति रही पंचम गति है। ख्याल माने जीव कहाँ अटक जाता है, संतोष माने देव गति में, पुण्य परिणाम में, बस इतना हो गया तो माने मेरा धर्म हो गया। ख्याल आ रहा ना, पर नहीं, ये तो अनंत बार किए और फिर एक भव जाएंगे नरक स्वर्ग में, उसके बाद जीव कहा जाएगा, एक भव सुधर जाएगा, बराबर ना। संसार की भाषा में कहे तो सुधरेगा, बाकी तो वो कोई अच्छा भव है ही नहीं, है ना। फिर जीव कहा जाएगा, फिर उसको कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। ख्याल आ रहा है, इसलिए संसार परिभ्रमण से रहित होने का उपाय दौलत राम जी ने यहाँ पे कहा है। आगे सातवें नंबर की गाथा के बाद अब कौन से आती है, आठवें नंबर की गाथा अपन साथ में पढ़ते हैं। वध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने, अति संक्लेश भावते मयो, घोर श्वभ्र सागर में पयो। का क्या कहा हो, देखो पिक्चर कैसे दिखाए यहाँ पे, है ना, वो पिक्चर सहित पूरे पूरा ये बुक है ना। तिर्यंचना दुखनी अधिकता अने नरक गति प्राप्ति नु कारण, अभी कहा ना तिर्यंच गति के दुखों की अधिकता और नरक जाने का कारण कौन सा है, नरक जाने का कारण अति संक्लेश भाव, कौन से भाव है, अति संक्लेश भाव, समझ में आ रहा है। और नरक में सीधे जाके कहा टपकते हैं, नरक में जाके पढ़ते हैं। नरक का तो दुख का वर्णन आएगा, अभी आने वाला है, बराबर ना। अब इसके बाद नरक गति के दुखों का वर्णन चालू होगा। अपन नहीं देखते कि नरक में तो रहा जाते ही, जन्मते ही वहां क्या चालू हो जाती है, सारे दूसरे नारकी जो होते ना वो सब खड़े रहते हैं कि कोई नया आए, हाँ, और हम आते ही उनके साथ क्या चालू कर दे, लड़ाई लड़ना, मारा मारी करना चालू कर दे। अपन देखते ना कॉलेज में भी, आप स्कूल कॉलेज में क्या होता है, वो फर्स्ट डे होता है ना, फर्स्ट डे तो दूसरे जो जूनियर्स आते हैं और जो सीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रैगिंग करते हैं, परेशान करते हैं ना। ऐसे यहाँ पे भी ऐसा ही वेलकम होता है नरक में, कि वहां जाता है, जन्मता है, और ऐसा कहा है कि जितनी ऊंचाई हाइट होती है ना नारकी के शरीर की, तो उतनी ऊंचाई तक वो क्या उछलते हैं। समझ में आ रहा है ना, जैसे सातवीं नरक में 500 धनुष ऊंचाई है, तो 500 धनुष ऊंचा ऊपर उछलेंगे और फिर वापस टपकेंगे नीचे। समझ में आ रहा है, ऐसे तो ये नरक गति के दुख है, माने इतने जन्मते वती वहां पे शरीर में रोग, ख्याल आ रहा ना, कैसा शरीर, अशुभ शरीर, अशुभ लेशिया, अशुभ स्थान, अशुभ परिणाम, अशुभ आयु, सब कुछ अशुभ। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे तो वहां पे दुख है। नरक 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 का शब्दार्थ करेंगे ना, हाँ, कि जिसको उस पर्याय में जो कभी रत ना हो, जो कभी रत ना होते हैं, रति नहीं होती है, उसको कहते हैं नारक। कभी रत नहीं हुए ऐसा जो स्थान है उसको कहते हैं नारक, उसको कहते हैं नरक, है ना, ख्याल आ रहा है। उसमें उसमें जीव हर समय ऐसा भाव रखता है, कैसा भाव रखता है नरक में, कि कब मैं यहां से छूटू। चार गति में एक ही ऐसी गति है कि जहां जीव को ऐसा लगता है प्रति समय कि कब मैं यहां से छूटू। और तिर्यंच मनुष्य और देव गति में ऐसा होता है कि ये कभी ना छूटे। समझ में आ रहा है,
इसीलिए नरक में से निकलकर जीव नियम से संगनी पंचेंद्रिय जीव ही बनता है। क्या बनता है, ख्याल आया आपको, है ना, क्योंकि वो छूटना है। हाँ, अच्छे लगते हैं। जैसे वो उदाहरण आता था ना वो सेठ का, वो कीड़ा राजा है ना, राजा वो कीड़ा बनने वाला था, है ना। कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कह दिया कि भाई आप तो अभी कीड़े बनने वाले हो थोड़े समय में, तो वो उस पुत्र को कह दिया था कि हाँ मल में से, है ना, मल में, है ना। और पुत्र को उसको निकाले जा रहे तो फिर से वो अंदर चला जाता था, है ना, कि मैं जब इसमें जन्मूंगा और जब तुम मुझे देखोगे तो मुझे उसमें से निकाल लेना, ख्याल मार देना, तो मैं वो पर्याय में से क्या छूट जाऊंगा। और जब वो जन्मता है और मारने जाता है तो वो जब निकलता है मारने जाता है तो अंदर घुस जाता था, ख्याल आ रहा है। इसलिए प्राप्त पर्याय मां तन्मय थी जाए छे, जे पर्याय मिले उसमें तन्मय हो जाता है। कैसे सपनों की अपन दुनिया में जी रहे हैं कि नहीं, है ना, क्योंकि ज्ञान के नेत्र आज तक खुले ही नहीं है। हम कौन से नेत्र खोल के बैठे हैं, चर्म चक्षु, चर्म चक्षु से हमको पूरी दुनिया कैसी दिखती है, अच्छी दिखती है, नित्य दिखती है, ख्याल आ रहा है। पर एक बार ज्ञान चक्षु खोलेंगे ना तो पता चलेगा कि सारे संयोग कैसे अनित्य है और मैं तो सदाए टिकने भला हूँ। देखो अब आगे यहाँ पे कहा ना, वध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जात ना बने, कहे नहीं जा सकते। आपको पता है के नरक में, अब नरक में जाएंगे ना, अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर श्वब्र सागर में परियो। देखो तीर्यंज गति का जीव तो अभी भी समोशरण में जाके दिव्य ध्वनि सुन सकता है, समझ में आ रहा है, बहुत कम है, कम 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 पॉसिबिलिटी। ज्यादातर तो सारे मिथ्या दृष्टि, पर कोई ऐसे जीव हो सकते हैं, जाते भी है ना, देखते ना बाघ शेर सर्प नवला आदि सब जाते हैं क्या सुनने, दिव्य ध्वनि सुनने, तो तीर्यंज गति में तो जाने की अवकाश है, पर नरक में से तो कहीं जाने के ऐसे दिव्य ध्वनि आदि सुनने का वहां पे कोई अवकाश ही नहीं है। ऐसी वो गति में जाके जन्मते, कौन, तीर्यंज गति के जीव, है ना। तीर्यंज गति में तो कहा ना सम्यक दर्शन प्राप्त करके पंचम गुण स्थान तक जा सकते हैं। नरक में भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त करता है, कैसे जीव प्राप्त करता है, देखो वहां जाके जन्मता है ना तो भयंकर प्रतिकूलता देखता है, भयंकर प्रतिकूलता। तो जन्म से नारकियों के पास तो अवधि ज्ञान होता है, तो अवधि ज्ञान लगाते हैं और अवधि ज्ञान में विचार में चढ़ जाते हैं कि ऐसी दशा हमको क्यों मिली, ऐसे दुख हमको क्यों सहन करने पड़ रहे। तो वहां उनके विचार में उनको आता है कि पूर्व में जिनेन्द्र भगवान की वाणी मिली थी, देशना मिली थी, ज्ञानियों ने मुझे समझाया था कि ये मार्ग ही शरणभूत है, ये प्रकट करने लायक है, बाकी कोई प्रकट करने आश्रय करने लायक नहीं है। और तब मैंने ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी का क्या किया था, अनादर किया था, इसलिए मुझे ये पर्याय में आना पड़ा। और तुरंत ही वो क्या कर लेते हैं, बोलो, पुरुषार्थ करके वही पे सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेते हैं, ख्याल आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वहां पे वह अवधि ज्ञान में उपयोग लगाते हैं और जब पुरुषार्थ उपरता है तो वो जीव अंतर मुहूर्त में वहां पे क्या कर लेता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। कितने नारी हाँ उपदेश कहा है, उपदेश कितने नरक तक कहा है, तीसरे नरक तक, बाद में उपदेश नहीं है, समझ में, खाली तीसरे नरक तक उपदेश है। बाद में जिन जीवों को सम्यक्त्व तो होता है वे अवधि ज्ञान के निमित्त से उनको वहां पे सम्यक्त्व तो हो जाता है। सीता जी का जीव जा रहा है ना अभी रावण को संबोधन करने के लिए, बराबर ना, तो उपदेश कहाँ तक है, तीसरे नरक तक है। असंख्यात नारकी है जो सम्यक दृष्टि है, असंख्यात तीर्थंकरों के जीव अभी नरक में पड़े हैं, भावी में तीर्थंकर होने वाले हैं, वे अभी कहा है सब नरक में है, पर उनको पता है कि नरक से निकल कर हम कहाँ आने वाले हैं, मनुष्य में आएंगे, है ना, और यहाँ पे मुनि दीक्षा अंगीकार करके केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं हम नौवे नंबर का छंद, यहाँ पे नरक भूमि अने नदी नू दुख, नरक की भूमि, इसीलिए जिनेन्द्र प्रतिमा कहा ना शास्त्र में आया है कि हजार केवलियों
से भी एक तीर्थंकर का जीव हमारे लिए अनंत उपकारी है। क्या कहा? फिर से हजार केली है उनसे भी अनंत उपकारी हमारे लिए कितने तीर्थंकर? एक तीर्थंकर हो तो हमारे लिए उनसे भी अनंत गुणा उपकारी एक तीर्थंकर है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। मजबूत है ना? अब आगे, हाँ अब आगे क्या कहता कि हजार तीर्थंकरों से भी एक जिन प्रतिमा हमारे लिए उपकारी है। ऐसा क्यों? क्योंकि तीर्थंकर सारे काल में नहीं होते, तीर्थंकर तो चौथे काल में ही होते हैं, बराबर। अभी पंचम काल का जीव है तो अभी यहाँ पे हमको तो तीर्थंकर का योग नहीं है, तो हमारे लिए उपकारी कौन है? हमारे लिए उपकारी जिन प्रतिमा है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो ही जिन प्रतिमा हमको क्या करेगी, मौन उपदेश दे रही है, उस तीर्थंकर के स्वरूप को समझाने वाली भी ये जिन प्रतिमा है। ख्याल आ रहा ना कि कैसे होते हमारे साक्षात तीर्थंकर, और इन जिन प्रतिमाओं के निमित्त से ये जीव क्या कर सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। आता है ना बड़े पंडित जी की जय माला में, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। क्या कहा? तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। समझ में आ रहा है ना? माने आप नहीं होते तो हमको ये गायक परमात्मा कौन बताता। इसलिए तो 80 नंबर की गाथा प्रवचन सार में कहा ना, जो अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानता है उसका नियम से क्या होता है, मोह का क्षय होता और होता ही है। किसके साथ मिलान किया? अपना अपने द्रव्य गुण पर्याय को किसके साथ मिलान किया? अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय के साथ। समझ में आ रहा ना? इसलिए कहते ना, जिसको धर्मी से प्रेम है, धर्मी से प्रेम है, नहीं अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय कैसे है उनका विचार करो, वैसे ही हमारे भी द्रव्य गुण पर्याय है, ऐसा विचार करो। समझ में आ रहा ना? तो नियम से क्या होगा, पर्याय पे से दृष्टि हटेगी, स्वभाव पे दृष्टि जाएगी, तो मोह का नाश हुए बिना रहेगा नहीं। ख्याल आ रहा ना? इसलिए कहा ना, जिनको धर्मी का प्रेम है, ऐसे जिनेंद्र भगवान का प्रेम है, ज्ञानियों का प्रेम है, मुनियों का प्रेम है, उनको नियम से धर्म का प्रेम है, और जिनको धर्म का प्रेम है उनको नियम से अपने गायक का प्रेम होगा और होगा। ख्याल आ रहा है ना? तीन चीज, आत्मा धर्म और धर्मी। आत्मा का लक्ष्य करेंगे तो धर्म होगा, और धर्म की प्राप्ति होगी तो वो जीव नियम से धर्मी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धर्मी कहलाएगा। इसलिए तो धर्मी के जीवन में निश्चय व्यवहार का बहुत सुमेल होता है, ऐसे पाप रूप परिणाम से डरता है, भय रखता है। ख्याल आ रहा ना? और श्रद्धा में तो बराबर उसको पता है कि श्रद्धा में क्या है कि ये मैं तो कैसा हूं, अपरिणामी तत्व हूं, मैं परिणाम वाला कभी हुआ ही नहीं है। पर पर्याय में जो ऐसे परिणाम हो तो उस परिणाम को क्या करने का उपाय करता है, छोड़ने का उपाय करता है। माने ज्ञानी का जीवन स्वच्छंद नहीं होता है। क्या नहीं होता है? माने पाप करे, समझ में आ रहा है, पाप करे और क्या कहे, पाप करे और क्या कहे, हाँ कि ये तो कर्म का उदय है ना, नहीं। ख्याल आ रहा ना? ये तो स्वच्छंद पना हो गया, कर्म का उदय नहीं है। ख्याल आ रहा ना? ये तो अपना ही दोष है, कर्म मात्र निमित्त है। दोष देखेंगे तो दोष निकालने का उपाय करेंगे। ख्याल आ रहा ना? देखो अब क्या कहते हैं, नरक की भूमि, ताहा भूमि पर सत दुख इसो बिच्छु सदसे नहीं तिसो, ताहा राद श्रो नित वाहिनी क्रमी कुल कलित देह दाहिनी। यहाँ पे दो का दुख बताया, भूमि का दुख और नदी का दुख। वहां पे यहाँ जो भूमि है ना, जमीन, ऐसी जमीन है कि वो नारकी गिरे स्पर्श करे भूमि को तो ऐसा लगता है, कैसा लगता है भाभी, कि करोड़ों बिच्छू है ना, क्या कहा, बिच्छी बिच्छी, बराबर ना, बराबर, करोड़ों बिच्छी, हजारों बिच्छू
क्या मार रहे हैं, डंक मार रहे हैं ऐसा उनको लगता है, बराबर ना। ऐसी तो ये जमीन होती है वहां की। अब वहां उस दुख से, उस पीड़ा से, ख्याल है ना, उससे वो इतने थक जाते हैं कि वहां पे एक नदी होती है और उस नदी का नाम है बेतरनी नदी। क्या नाम है? बेतरनी नदी। और वो लोय और परू से भरी हुई है। तो उनको ऐसा लगता है कि जमीन का दुख है ना, तो हमको शांति चाहिए, तो हम उस नदी में डुबकी मारेंगे तो हमको क्या लगेगा, हमको शांति लगेगी। और जहां वो नदी में डुबकी मारते हैं तो ऐसे उनको कहा ना, नाना शूद्र कीड़ा वो थी बरेली, ऐसी वो नदी का पानी कीड़े उस कीड़ा से भरा हुआ है कि वहां जन्म वहां पे डुबकी मारते ही तो कितने कीड़ों आके क्या करते हैं, शरीर को दाह उत्पन्न करते हैं। दाह माने पीड़ा उत्पन्न करने वाले ऐसे कीड़े होते हैं। माने जमीन भी ऐसी और वहां की नदी का भी कितना दुख है, माने कहीं पे भी शांति नहीं। खाली कहते ना के पंच कल्याणक होता है ना, तो जब बाल तीर्थंकर का जन्म होता है तब क्षण मात्र के लिए वो नरक के क्षेत्र में शांति मिलती है, शांति होती है। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, समझ में आ रहा है ना। माने खाली उतने क्षण के लिए उस नरक के भूमि में क्या होती है, शांति मिलती है, है ना। बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ, तीन लोक के नाथ का जन्म हुआ, के जिनके जिनके ओम ध्वनि दिव्य ध्वनि ऐसी उनकी मुख मुद्रा देख कर, प्रतिमा को देख कर, उनके स्वरूप को समझ कर, कितने जीव, लाखों करोड़ जीव, असंख्य जीव क्या कर लेते हैं, ये मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। तो उस समय क्या होता है, उतनी शांति होती है। आगे जाते हैं, दसवें नंबर का छंद है, वहां पे वर्णन किया है सेमर वृक्ष, सर्दी और गर्मी का दुख, तीन चीजों का वर्णन, किसका किसका, सेमर वृक्ष, सर्दी और गर्मी। आपको पता है कि आता है ना मिट्टी, वहां की मिट्टी नरक की, एक कण मिट्टी का अगर यहाँ पे आ जाए ना, एक कण दुर्गंध कितनी है वहां, उस एक मिट्टी का कण जो यहाँ पे आ जाए तो यहाँ योजनों तक के जीव सारे मर जाए, ऐसी उसकी दुर्गंध, कि ऐसे योजनों तक के जीव भी मर जाते हैं, ऐसी तो वहां की दुर्गंध है। अब बात करते हैं सेमर वृक्ष, सर्दी और गर्मी का दुख, अपन साथ में पढ़ते हैं। सेमर तरुदल असी जो देह विदारे तत्र मेरु समान लोह गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। क्या कहा, सेमर वृक्ष, अब नदी में से ऐसा लगता है कि ये वृक्ष को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब चलो वृक्ष के नीचे चले जाए, तो वृक्ष की छाया में थोड़ी सी हमको क्या मिलेगी, हाँ शीतलता शांति मिलेगी, बराबर ना। तो वहां दौड़ दौड़ के वहां जाते हैं, जैसे नहीं होता वो मृग मरीचा मरीची, बराबर ना, हिरण का उदाहरण देते हैं ना, कि वो हिरण दौड़ता तो है किसके तरफ, रेत के तरफ, चमकती रेत को देख के दौड़ता तो है, पर उस चमकती रेत तक पहुंचता है तो पता चलता है कि वहां तो पानी है ही नहीं। ऐसे ये नारकी उस एक जगह से दूसरी जगह ऐसे दौड़ लगाते हैं कि यहाँ पे कहीं शांति मिल जाए, यहाँ पे शांति मिल जाए, और वहां सेमर वृक्ष के नीचे जाते हैं तो वहां तो कितना दुख है कि उसके पत्ते तीक्ष्ण तलवार के जैसे होते हैं, और उस पत्र जो पड़ते हैं, पत्ते पड़ते हैं उनके शरीर पे, तो कहा है कि तिल के जैसे, राई जैसे क्या हो जाते हैं, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, राई जितने छोटे इतने इतने टुकड़े एक एक शरीर के हो जाते हैं, बराबर ना। पर तलवार करते हाँ तीक्ष्ण धार होती है, इसलिए कहा ना, देखो नारकियों का शरीर जो होता है ना वैकृत शरीर होता है, मर्क्यूरी जैसा होता है, पारा हो ना, पारो पारा होता है, तो वो क्या होता है, छुट्टो पड़े पाछो भेगो थी जाए, एवी रीते नरक नु शरीर, हाँ देव नु पण, बराबर ना, वैकृत शरीर, तो ऐसा वो टुकड़े हो जाते हैं, पर वापस वो
क्या बोलता है हिंदी में, जुड़ जाते हैं, बराबर ना, और वापस वो शरीर बन जाता है। पर वो टुकड़े टुकड़े हो, उसका दुख बहुत है ना, उसकी पीड़ा बहुत है, इसलिए ऐसे दुख नरक गति में बहुत है। सर्दी और गर्मी का दुख कहा, पहले दूसरे तीसरे चौथे और आधा पांचवी नर। अत्यंत गर्मी, फिर से पहले दूसरे तीसरे चौथे और आधा पांचवी, वहां पहले इतने चार और आधा पांचवा नरक, वहां अत्यंत गर्मी और आधा पांचवा छठा और सातवा अत्यंत ठंडी। समझ में आ रहा, अत्यंत ठंडी खा रहा है, माने गर्मी इतनी। यहाँ पे उदाहरण दिया कि कैसी गर्मी, कि 1,00,000 सुमेरु पर्वत जितना लंबा है ना, बड़ा 1,00,000 जितना सुमेरु पर्वत जितना लोखंड का गोला क्षण मात्र में पिघल जाए, इतनी गर्मी। और यहाँ तो थोड़ी गर्मी लगे तो, यहाँ तो थोड़ी गर्मी हो तो, वहां तो ऐसी गर्मी, यहाँ तो थोड़ी गर्मी हो तो तुरंत क्या याद आ जाए, हाँ एसी, ठंडा पानी, नींबू शरबत, क्या ला रहा ना, उस समय क्या क्या याद करना, हाँ कि ऐसी उष्णता हमने कहा वेदन की, क्या वेदन किया है नरक के क्षेत्र में, अनंत बार ऐसे दुख सहन किए। और ठंडी कितनी, 1,00,000 सुमेरु पर्वत का योजन वहां गिरते ही क्या हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, ख्याल है, क्षण मात्र में ऐसी वहां पे क्या है, ठंडी है। आपको पता है नरक में अकृत्रिम चैत्यालय भी है, कितने कहे अकृत्रिम चैत्यालय, पहली पृथ्वी, पहली नरक की पहली पृथ्वी में है ना, भवनवासी के भवन है, टोटल अकृत्रिम चैत्यालय वहां नरक में तो कितने कहे, 7,72,00,000 सबसे ज्यादा, कितने 7,72,00,000 सबसे ज्यादा, टोटल है 8,56,97,481 तीनों को मिलाकर, अधोलोक के, ऊर्ध्व लोक के और मध्य लोक के तीनों को मिलाएंगे तो कितने होंगे, 8,56,97,481 तीनों लोक को मिलाकर, अधोलोक में 84,97,023 कितने 23, 84,97,023 और 23, और मध्य लोक के कितने 482 मध्य लोक के अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं 458 कितने 458 458 मध्य लोक के अकृत्रिम चैत्यालय कितने 458 458 तीनों को मिलाकर ऐसी टोटल संख्या बताए। एक एक जिन मंदिर में 108 जिन प्रतिमाएं हैं, वो भी अकृत्रिम, किसी ने बनाई नहीं और कभी नाश होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा ना, असुर कुमार के दुख अभी बताएंगे इसके आगे। ये हो गया यहाँ पे असीजा देह विदारे तत्र, है ना, ये टीवी आबधु आइए सब क्या है, माने 24 अपन ये अपन देखते ना, जो टीवी देखने वाले परिणाम कैसे होते हैं, माने पाप तो वे कर रहे हैं टीवी में, अंदर मारा मारी कर रहे हैं, पांच इंद्रिय के विषयों का भोग कर रहे हैं, तो वो सब तो टीवी में वे सब कर रहे हैं, पर जो देख रहा है ना, जो देख रहा है वो क्या कर रहा है, बैठे बैठे अनुमोदना कर रहा है, वो मार रहा है ना, जैसे वो छोटे बच्चे को वीडियो गेम्स की कैसी आदत पड़ जाती है, और वीडियो गेम्स शूटिंग की वीडियो गेम्स होती है ना, तो वो वहां पे मारते हैं, और यहाँ पे इसको परिणाम कैसे होते हैं, मारो मारो मारो, ख्याल है ना, तो ये परिणाम ये नरक गति का कारण है, ख्याल है ना, तो ऐसे निमित्तों से हम बचे, बुद्धि पूर्वक ऐसे निमित्तों से बचे, पाप परिणाम से बचे, क्योंकि हम ही देखते हैं कि 24 घंटे में कितने पाप परिणाम होते हैं और कितने पुण्य परिणाम होते हैं, इसलिए उपाय तो यही करना कि ज्यादा में ज्यादा पुण्य परिणाम हो और पाप परिणाम कम हो, ख्याल आ रहा ना, हो ही नहीं, भावना तो ऐसी रखे है ना, तो कम हो तो पुण्य परिणाम ज्यादा हो, ख्याल आ रहा है, तो हम धर्म मार्ग का क्या कर सकते हैं, पुरुषार्थ करने की हमको इस परिणाम में रह के क्या मिलती, प्रेरणा मिलती है। आगे अब यहाँ पे 11वां नंबर लास्ट, आज ये 11वां ले लेते, 5-5 लेना ना रोज। अब देखो नरक मां अन्य नारकियों असुर कुमार
तथा प्यास ना दुख। अब भूख और प्यास का दुख, असुर कुमार का दुख, अन्य नारकियों का दुख और किसका, भूख और प्यास का दुख। तिल तिल करे देह के खन, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचन, सिंधु नीरते प्यास न जाय, तो पण एक बूंद लहाय। माने ये देखा जाए तो कुछ क्षेत्र दुख का कारण नहीं है, असुर कुमार की बात आई ना तो याद आया कि कुछ क्षेत्र दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है, नरक का क्षेत्र दुख का कारण है, वो तो उसके ऊपर उपचार किया जाता है। नरक का क्षेत्र दुख का कारण नहीं, क्योंकि नरक के क्षेत्र में तो असुर कुमार भी जाते हैं, ख्याल रहा, असुर कुमार देव भी है, सीता जी का जीव भी जा रहा है, ख्याल रहा ना, तो वे तो दुखी नहीं है, ख्याल रहा। तो दुख किसका है, दुख ये शरीर के प्रति जो एकत्व बुद्धि है ना, वे दुखी दुख का कारण है, क्योंकि नरक में तो सम्यक दृष्टि भी है, नारकी सम्यक दृष्टि, वे कहा दुखी है, वे तो सुखी है। इसे नरक का क्षेत्र दुख का कारण नहीं, पर जो ये सब मैं हूँ, ये नारकी मैं हूँ, ऐसी जो मान्यता है वो दुख का कारण है। अपन नहीं देखते हॉस्पिटल होती ना, तो अपने को ऐसा हॉस्पिटल माने दुख का घर, तो कहीं नहीं, वो तो कहा जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो डॉक्टर भी होते हैं, नर्स भी होते हैं, मिलने वाले भी आते हैं बाहर के, बराबर ना। पर दुखी कौन, दुखी कौन, पेशेंट, समझ में आ रहा है, सभी दुखी नहीं। ऐसे नरक में अब असुर कुमार देव के जाति के देव भी होते हैं, वो क्या कराते हैं, असुर कुमार जाति के देव, वे दो नारकियों को पूर्व का बहिर याद करा के एक दूसरे के बीच में क्या कराते हैं, लड़ाई लड़ाते हैं, समझ में आ रहा ना। जैसे अरे आप तो सुनो तो कि खाली वो अभी तो बैर का वर्णन भी नहीं करता है, खाली इतना बोले, क्या बोले कि इसको पूर्व जन्म में तुमसे क्या था, बैर था, बस इतना बोले और वहां पे वो नारकी क्या करने लगे, लड़ाई, तीव्र कषाय। माने इतना समय भी सोचने के लिए नहीं है, पूछने के लिए नहीं है कि क्या था क्या है, कुछ नहीं, वहां इतने तीव्र कषाय होते हैं कि सीधा का क्या करने लगते हैं, मार काठी करने लगते हैं, बराबर ना। और वहां पे क्या कहा, भूख और प्यास, इतनी भूख कि तीन लोग का अनाज भी दे दे तो भी तृष्णा, भूख भोजन माने हाँ एक भी कण नहीं मिलता, पर भूख मिटती नहीं, तीन लोग का अनाज खाए तो भी उनकी भूख मिटती नहीं, इतनी तो भूख, और एक कण का एक कण भी ना मिले, दाना भी वहां पे नहीं मिलता, इतना इतनी प्यास का दुख, कितना प्यास का दुख कि समुद्र के समुद्र दे दे, समुद्र के समुद्र दे दे, समुद्र के फिर भी प्यास बुझाती नहीं है, इतना तो उनको यहाँ प्यास का दुख है, भूख का दुख है, असुर कुमार जाति का दुख है और दूसरे नारकियों का दुख है, क्योंकि तिल तिल करे देह के खंड, वो होते हैं ना अस्त्र आदि, बराबर ना, शस्त्र आदि, तो उससे क्या करते हैं, देह के क्या कर देते हैं, खंड खंड कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ख्याल आ रहा है। ऐसा तो ये यहाँ पे नरक गति के दुखों का वर्णन का है ना। देखो एक इसके बाद का भी अपन ले लेते, क्योंकि नरक गति का ही है, पहली लाइन नरक गति का ही है और दूसरी लाइन से मनुष्य गति का वर्णन है, 12वें नंबर का छंद है। पहले ऊपर का हेडिंग पढ़ती हूँ, नरक नी भूख, नरक नु आयु अने मनुष्य गति प्राप्ति नु वर्णन। तीन लोक को नाज चुखाय, मिटे न भूख कणा न लहाय, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नरक गति लहे। आहा क्या कहा, तीन लोग के नाज चुखाय पर मिटे न भूख कणा न लहाय। अब यहाँ के आयुष का दुख बोलो, पहली नरक की मिनिमम आयु कितनी, 10,000 वर्ष की, 10,000 वर्ष माने क्या, ये तो 10,000 वर्ष हमको इतने लगते हैं, अभी तो आगे बढ़ते 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 सातवीं नरक का आयु कितना बताया, 33 सागर, सागर माने क्या था ना, माने इतना लंबा काल, गड्ढा सुना ना वो गड्ढे का,
है ना, मिंडक क्या करा थे बचपन था। हाँ, तो इतना लंबा काल एक सागर का, एक सागर तो 33 सागर माने कितना लंबा काल होगा, समझ में आ रहा है। इसलिए कहते हैं ना, हंस हंस के बांधे हुए कर्म कैसे चुकाने पड़ेंगे, रो रो कर चुकाने पड़ेंगे। इसीलिए कहा ना कि परिणामों का संभाल रखना, तो इन परिणामों का फल मिले बिना नहीं रहेगा। बड़े पंडित जी का एक पाठ है ना, देखो देखो विराधना का ये कैसा है ये फल, है ना, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निष्फल। समझ में आ रहा ना, कितना हमारा तो पुण्य का उदय के जो सीमंदर भगवान की वाणी में जो अभी देशना छूट रही है, जिसका वर्णन हो रहा है, गंधर्वों ने उसको झीला अंतर मुहूर्त में द्वादशांग, ख्याल है इसकी रचना हो गई और वही शास्त्रों में क्या हुआ, लिपिबद्ध हुआ, और वही लिपिबद्ध होकर हमारे तक पहुंचा, और हमारे तक तो वो शास्त्र तो पहुंचे पर उसके अर्थ समझाने वाले हमको कौन मिल गए, हमको गुरुदेव श्री मिल गए। माने हमारा हमारा पुण्य तो देखो कितना है, अब पुण्य इतना है पर अब पुरुषार्थ करेंगे तो खरे खर हमको ये देह शास्त्र गुरु और गुरुदेव मिले कहे जाएंगे। इसलिए कहते ना, जिनवाणी नित्य बोधि, जिनवाणी क्या है, गुरु गुरु भावलिंगी मुनिराज के दर्शन नहीं है ये काल में, पर जिनवाणी का कभी विरह नहीं होगा, कोई भी काल होगी। हाँ, ख्याल रहा है, रात को भी उठ के, मम्मी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि रात को भी मुझे 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 जिनवाणी स्वाध्याय करना है तो मेरे पास जिनवाणी है, ख्याल रहा, तीर्थंकर भगवान की वाणी है, समझ में आ रहा ना, मेरे पास सुरक्षित है तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, स्वाध्याय कर सकता हूँ। इसके लिए इसकी कीमत आनी चाहिए कि भावलिंगी संत तो नहीं है पर भावलिंगी संत के द्वारा जो लिखे गए शास्त्र है वो हमारे पास सुरक्षित है, उपलब्ध है। अब ये जिनवाणी माता के, इसलिए इसकी इसको किसकी उपमा दी, माता की उपमा दी, किसकी उपमा दी, माता की उपमा दी, क्योंकि एक माता को पुत्र के प्रत्ये है ना निस्वार्थ प्रेम रहता है, ख्याल आ रहा ना, ऐसे जिनवाणी माता है ना, उनकी कैसी करुणा है कि ये जीव सब जीव क्या करे तत्व ज्ञान में डुबकी मारे, है ना। अंतिम वाक्य कह के पूज्य बेंशी का कुछ याद आया, कह के यहाँ पे पूर्ण करती हूँ मैं, कि पूज्य बेंशी को पूछते थे ना कि आप आपके कौन से काम है पूरे दिन में, तो पूज्य बेंशी बोलते थे मेरे मेरे तीन काम है, कितने काम है, तीन काम, एक तो पहला कि उपयोग को अंदर में टिकाए रखना, समझ में आ रहा ना, शुद्ध उपयोग। हाँ, ऐसा सुनते हैं ना कि पूज्य बेंशी तो रूम में से बाहर निकलते नहीं थे, माने इतने कितने सालों तक वे अपने रूम में ही रहते थे, है ना, और अपन तो ख्याल आ रहा है ज्यादा टाइम। उनके तीन काम वे बताते थे कि एक तो मेरा उपयोग अंदर में रहे ज्यादा, अगर ना रहे ना रहे तो शास्त्र स्वाध्याय में उपयोग लगाओ, और तीसरा क्या काम क्या बताते थे, हाँ, सीमंदर भगवान के दर्शन, किसके दर्शन, सीमंदर भगवान के दर्शन, और वो भी क्या बताते, प्रत्यक्ष दर्शन, कैसे करते प्रत्यक्ष दर्शन, बोलो कैसे करते होंगे प्रत्यक्ष दर्शन। हाँ, उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ था ना, तो जाति स्मरण ज्ञान में उनको सीमंदर भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए थे, ख्याल आ रहा ना, तीन काम बताते थे, है ना, एक तो शुद्ध उपयोग का, उपयोग अंदर ना टिके तो शास्त्र स्वाध्याय का, और शास्त्र स्वाध्याय के बाद तीसरा काम कौन सा बताया, सीमंदर भगवान के दर्शन, है ना। पूरे कहते ना वैराग्य की मूर्ति थे पूज्य बेंशी, तो कैसे थे, वैराग्य की मूर्ति थे, है ना। जैसे कहते ना भक्तामर में आता ना के पूरे लोक के जितने भी सुंदर परमाणु है ना, भगवान के शरीर का वर्णन करते हुए वो छंद है कि लोक के जितने भी सुंदर में सुंदर परमाणु है, हे भगवान, ये सारे परमाणु आपके शरीर रूप परिणमित हो गए हैं।
ऐसे बुज्जे बेंसी का वैराग्य इतना था कि लोक में जितने भी वैराग्य के परिणाम है, परमाणु है, वे सारे के सारे आपके वैराग्य रूप परिणमित हो गए हैं, क्योंकि उनको देखते ही ये सामने वाले जीव कैसे हो जाते थे, शांत हो जाते थे, उनको भी वैराग्य जागृत हो जाता था, ऐसी उनकी प्रशम, इसलिए तो प्रशम मूर्ति उनको उपमा दी गई थी, प्रशम मूर्ति भगवती मात कहते थे उनको। ऐसे हम भी हमारे आत्मा का ऐसे ज्ञानियों को आदर्श बनाकर, चार गति का भय रख कर, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके हम भी अपने आत्मा का कल्याण करे, इसी मंगल भावना के साथ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। अनंतानंद से परमेश्वरी भगवान नोज, छठा सातवा मंजुलवाड़ा शर बावलिंगी संतो नोज, जिनवाणी मात नोज, हम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नोज।